सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। वहीं एक राष्ट्र निर्माण पार्टी ने भी दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व IPS डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि वह गरीब मजदूरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे तथा जो समय दिल्ली में जो जगह जगह आग लगकर गरीब मजदूरों की मृत्यु हो रही है उस पर भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। पूरा समय समाज सेवा में लगाते हैं, ये पुरानी क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि हैं दानवीर जी, ये लक्ष्मी नगर क्षेत्र से जो है हमारे प्रत्याशी होंगे और उनका पूरा समय जो है समाज सेवा में लगता है। पूरा समय हमारे विजय सिंह जी हैं, ये रोहिणी क्षेत्र से हैं, वहां से हमारे प्रत्याशी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में ये जुड़े हुए हैं। हमारे कुंवर पाल शास्त्री जी हैं, ये मॉडल टाउन से हमारे कैंडिडेट हैं और इनका पूरा समय जो है समाज सेवा के लिए लगा। कितने लोग हैं, अरुण ठाकुर जी हैं, पूर्वांचल के हैं और तुगलकाबाद से हमारे प्रत्याशी हैं, नितेश ओखला से हमारे प्रत्याशी, जितने और भी प्रत्याशी हमारे हैं, परंतु ये जितने लोग हैं वो छांट करके देख करके उनकी बैकग्राउंड देख करके उनका पूरा वो देख करके तब ये छांट करें, ठीक है। और यही प्रयास आगे भी रहेगा। हम आपकी जो भावनाएं हैं उनको समझते हैं और कभी भी हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जैसे और पार्टियों से निराशा हुई है इस ढंग से हमारी पार्टी के बारे में आपको कहने का मौका न मिले कि सब आपने ऐसा कहा था और आप जो है ये कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से आगजनी की निरंतर घटनाएं हो रही हैं। नए वर्ष में भी हुई घटनाएं हुई, उसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी जो दुर्घटना हुई उसमें भी काफी लोग की जान जा सकती थी। उससे पहले करोड़ बाग में होटल अर्पित में घटना हुई, उपहार कांड को शायद हम भूल चुके हैं। उस समय से लेकर आज तक हम ईंधन की व्यवस्थाएं नहीं बना पाए कि जहां पर होटल है या फैक्ट्री चलती है वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सके। ऐसे मार्केट्स आप दिल्ली में देख सकते हैं जहां यदि कुछ घटना दुर्घटना हो जाए तो वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री चल रही है कोई बात नहीं, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसे सारी सुविधाएं मिली हुई है, वहां मजदूर काम कर रहे हैं, उनको ना PF है, ना इंश्योरेंस है, ना और कोई सुविधा है। यहां पर हर ढंग के डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग होगा, अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग होगा, MCD और उसके अधिकारी अलग होंगे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, लोग जल रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं और हमारे जो शासक थे वो इस बात से खुश है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। एक दिन में हमने इतने क्लिनिक जो है 300 से ऊपर क्लिनिक हमने एक दिन में तैयार कर दिए, ये देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड। सब देश के चुने हुए लोग हैं और वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर रह करके जनता की सेवा की। आनंद कुमार जी DGP रहे हैं और सदा तन मन धन से समाज सेवा में रहे।
एसएन गुप्ता जी, जैसा आपको भी परिचय दिया गया है, जज भी रहे, न्यायालय में रहे और अब भी न्याय के लिए लड़ाई करते हैं कोर्ट में, अच्छाइयों के लिए खड़े होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे दिल्ली में 50 वर्ष से ज्यादा हो गई, कई भाई होंगे जो उससे पहले भी हों लेकिन बाद में आप आए। जब मैं दिल्ली में आया उस समय दिल्ली स्वर्ग थी, लेकिन मैं जब से एक बात का अध्ययन कर रहा हूँ, पहले कांग्रेस सत्ता में रही, भाजपा रही, उसके बाद में आप पार्टी आई, तो तीनों पार्टियों ने आदि से लेकर आज तक मिलकर के दिल्ली को नर्क बना दिया। मुझे दुनिया के 20 देशों में जाने का अवसर मिला है, छोटे छोटे देशों ने अपनी राजधानी को स्वर्ग बना रखा है और ये संसार का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देश परमात्मा ने हमें दिया है, गंगा यमुना जैसी नदियां, मैदान, हिमालय का पर्वत, यानी परमात्मा ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमने इसे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी सारी नदियां दूषित हैं, आपकी सारी फसल दूषित है, आपके सारे लोगों के विचार दूषित हो गए हैं। आखिर ये राष्ट्र निर्माण पार्टी केवल राष्ट्र की उन्नति के लिए मैदान में है और हमने इन सबको देखा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कितना प्रदूषण हो गया। मैं कहीं दिल्ली से बाहर जाता तो लोग पूछते कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। फिर समाप्त करेंगे, यमुना को पूरी तरह से पवित्र नदी की तरह बनाएंगे, उसके साथ साथ प्रदूषण मुक्त जब शहर होगा, और उसमें हम सबसे बड़ी बात एक और है, सबसे जो जरूरी है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीजें जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ना हमने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया है, ना शिक्षा की ओर। अब आप देखें, कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं जो चाय पी रहा हूँ ये ठीक ठाक दूध भी है? यानी जिस देश में दूध जैसा अमृत परमात्मा ने बच्चों को पैदा होने के साथ में देता और सारी आयु उसके लिए दिया है, वही जहर मिल रहा है। आपके यहाँ कहाँ शुद्ध दूध है? आपकी जो अभी रिपोर्ट थी, आपकी जो सब्जी है 90% ये सारे दूषित है। देख रहा था कि हमारे देश में कई किस्म की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आधार या तो धर्म है या जात है या कोई क्षेत्र है, इसके अलावा और किसी चीज की बात नहीं करेगी। कोई बहुजन समाज की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी अपने आप को कह रहा है, कोई धर्म के नाम पर वोट की राजनीति कर रहा है, इसके अलावा कोई भी एक पार्टी, ऐसी पार्टी मेरे को नजर नहीं आई जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र समाज की बात, वो जो बनाने का जो आधार हमारे अध्यक्ष जी ने डाला, वो मेरी समस्या और उनकी समस्या, सिर्फ इस पार्टी को उन्होंने इसीलिए बनाया कि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर सकें, राष्ट्र विकास की बात कर सकते हैं, समाज की बात। ये इस पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग करके देखा जा सकता है कि इस पार्टी का आधार क्या है। अब सीधी सीधी बात में अगर आया जाए कि राष्ट्र निर्माण कैसे संभव होगा, समाज का विकास कैसे संभव होगा, इसके लिए हमारी पार्टी क्या सोचती है। जैसा आनंद कुमार जी ने कहा कि लोग इधर की बातें करते हैं, मुफ्त में जो है ये दिया वो दिया, जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक लोगों में शांति नहीं हो पाएगी। चरित्र ठीक का मतलब ये है कि चरित्र कैसे ठीक होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मैं समझता हूं हर व्यक्ति जिसके पास रोजगार है वो शायद चरित्रहीन नहीं होगा। चरित्रहीन होने का या कोई भी जुर्म करने का एक कारण या सबसे बड़ा कारण हम कहते आए हैं, सुनते आए कि बेरोजगारी भी है। जिस व्यक्ति के पास अपना रोजगार नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास कोई व्यवसाय नहीं होगा, उस व्यक्ति की ना परिवार में इज्जत है ना समाज में इज्जत है। तो सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए भी जरूरी है, समाज विकास के लिए भी जरूरी है, वो है कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई रोजगार होना चाहिए। अब दिल्ली में कुछ सालों से आप देख रहे हैं, चाहे वो व्यापारियों संस्थानों की सीलिंग हुआ या फैक्ट्रियों में आग लगी है या फैक्ट्रियों की सीलिंग है,
इन सबकी वजह से जो दिल्ली में बाहर के लोग आते थे पहले, वो शायद ये सोच के आते थे कि दिल्ली में आसानी से कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा, उसकी व्यवस्था हो जाएगी।